रिन्यूएबल पार्ट मैंने सीखा है, रिन्यूएबल का पार्ट तो आप लोगों ने सीखा था। अभी रिन्यूएबल का पार्ट के अंदर सर्टेन पॉइंट्स जो मैंने बताया था तुम लोगों को, स्टेप्स ऑफ रिन्यूएबल। अब स्टेप्स के अंदर में क्या था, रिन्यूएबल क्या था वो तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। रिन्यूएबल का मतलब क्या है, वहाँ पर ये एक ओल्ड मिल बनाया हुआ था, बराबर है, ओल्ड मिल बनाया हुआ है। ड्यू डेट था इसका समझो 5 तारीख, 5/10/2020। इट इज़ एज गुड एज चेक के जैसा, जैसे चेक ड्यू डेट के बाद यानी जिस पे जो डेट लिखा हुआ है वो डेट के बाद वो क्या हो जाता है, वैलिड नहीं रहता, वैसे भी बिल रहता है। बिल पे जो डेट डाला हुआ है कि ये ड्यू डेट है ना, 3 डेज ये सब अपन डालते हैं, तो ये डेट पे अगर पैसे नहीं मिले तो ये भी ख़राब हो जाता है, दैट इज़ ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल हो रहा है तो सीन क्या, सामने वाले ने पैसे नहीं दिए बट उसने गुड्स को हम लोगों से या सर्विस ऑलरेडी ले चुका है, मतलब गुड्स या सर्विस ऑलरेडी ले चुका है तो उसका पैसा तो उनको वसूलना है, भले आज नहीं दिया फ्यूचर में तो लेने का कि नहीं लेने का। तो फ्यूचर में जब लेना है तो जब यहाँ पे इतना सिक्योरिटी लिया था तो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द रीजन इज, ये ओल्ड बिल को हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल करेंगे और क्या बना के लेंगे, एक न्यू बिल बना के, समझ में आया। तो ये ओल्ड बिल को कैंसिल करना और ये न्यू बिल को बना के लेना, इस प्रोसेस को बोला जाएगा रिन्यू, ठीक है, जहाँ पे बिल को रिन्यू करेगा। बिल रिन्यू करने के लिए मैंने क्या बोला, ओल्ड बिल को कैंसिल करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आ गया, दैट इज कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। बिल कैंसिल करो, ठीक है। अब कहीं किसी भी हाल में 2 या 3 मंथ बाद तो पैसे देगा ही देगा, यानी ड्यूरेशन कितना मांग रहा है, 2 से 3 मंथ, यानी जब 2 से 3 मंथ जा रहा है तो 2 से 3 मंथ के बीच में हमारा नुकसान होने का चांसेस है, हम लोग लॉसेस सफ़र कर रहे हैं, तो उस लॉसेस को सफ़र करने की वजह से हम लोगों को सामने वाला क्या बोलता है कि तुम्हारा जो नुकसान होगा उसका भरपाई मैं कर पाऊँ, ठीक है। फिलहाल तुम्हारा अमाउंट था 10,000 रुपये, मेरे पास 10,000 नहीं है, एक काम करो जितना है उतना ले लो। सबसे पहले बिल कैंसिल करेंगे, जितना सामने वाले से मिलता है वो ले लोगे, दैट इज एक्सेप्ट फॉर पेमेंट, एक्सेप्ट पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट के बाद जितना पैसा बचा है, फॉर एग्जांपल समझो उसने 2,000 रुपये दिए, कितना दिया, 2,000, तो बचा कितना है, 8,000, यानी 8,000 का मैं नुकसान झेल रहा हूँ करेंटली, जिसका मुझे इंटरेस्ट पे करने को आ रहा है, तो वो मैं किससे वसूलूंगा, सामने वाले से। तो यहाँ पे बैलेंस अमाउंट के ऊपर किस पे चार्ज होगा, बैलेंस अमाउंट, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना, दैट इज चार्ज इंटरेस्ट ऑन बैलेंस अमाउंट। और फाइनली सिक्योरिटी के लिए आप क्या करोगे, न्यू बिल प्रिपेयर। यहाँ तक क्लियर है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है रिन्यूएबल का, जिसमें से एक बेसिक सा सब मैंने सिखा दिया था। अभी नया सब कोई ले लेते हैं, ये चाहिए तो फिर रिकॉर्ड कर लेना, ये तुम लोगों के पास होगा, ये फर्स्ट सब में मैंने कराया, ठीक है। और रिन्यूएबल के लिए मैंने तुम लोगों को शॉर्टकट एंट्रीज भी सिखाया है। शॉर्टकट एंट्रीज कौन था लास्ट टाइम, आप लोग कौन लोग, आयुष आप, ठीक है। क्वेश्चन निकालो कोई भी, समरी कंटेंट बना लेते हैं। निशा ने सेल किया, तो निशा कौन होगी आप लोगों के हिसाब से, ड्रॉवर, तो निशा के आगे मैं ड्रॉवर लिख देता हूँ। कितने का गुड सेल किया निशा ने, हाँ ठीक है, निशा ने गुड सेल किया किसको, ऐश को सेल किया, तो ड्रॉवर, और ये कौन हो जाएगी, ऐश आपकी, ऐश आपकी ड्रॉवी हो जाएगी। ऐश का अमाउंट अच्छा सेम रहेगा, ठीक है। और आप इमीडिएटली आशा ने क्या किया, इमीडिएटली आशा ने क्या पे किया, कैश, कितना, 10,000, यानी कि इसमें से 10,000 माइनस 24,000 रिसीव हो जाएगा,
नहीं समझा बराबर, तो फाइनली बिल कितने का बनना चाहिए? 20-20। आगे रीड करो क्वेश्चन। आगे आशा डिस्काउंट द बिल विद बैंक ऑफ निशा डिस्काउंट द बिल विद बैंक ऑफ क्या मैं फर्क कर रहा हूँ? निशा ने क्या किया? बिल डिस्काउंट करा दिया। किसके पास कराया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र डिस्काउंट कराया। ठीक है आगे रीड करेंगे और क्या बोला है? द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड आशा रिक्वेस्ट निशा एग्री एंड फॉर आशा रिक्वेस्ट निशा to accept the remaining amount of 11% for 3 months. Nisha agrees and for the balance, Asha accepts a new bill at 3 months. But Asha became insolvent and only 40% will be of the amount could be recovered. Yeah, ठीक है, insolvency भी दे दिया है same question में। तो insolvency का part मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, अभी पहले हम लोग renewal का part सीखेंगे। क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया? आशा थी, निशा थी, सॉरी आशा थी, निशा थी और आपकी ऐश थी। ठीक है, तो निशा ने गुड सेल किया, ये सेलर और इसने खरीदा ये बायर। कैसा काम चल रहा है ये? बस से बस। ठीक है, तो 34,000 का गुड सेल किया, 34 में से सामने वाले ने क्या बोला? मेरे पास 10,000 रुपये दे दिया, बैलेंस जो बचा है उसका मैं क्या करो? बिल बना के दे दो। इतना समझा? यानी कि ये सम के अंदर में देखोगे तो 34 का ट्रांजैक्शन है, सम जो बनेगा, बिल जो बनेगा 24 का बनेगा। इतना क्लियर है? अब इस चीज को लेके हम लोग सम स्टार्ट करेंगे फटाफट फटाफट। कॉलम प्रिपेयर कर लो। ड्यू डेट पे फिलहाल फोकस नहीं कर रहा हूँ। ड्यू डेट तुमको मालूम है क्या तारीख है? तारीख वाले तुम लोग को मालूम रहेगा ना? दोनों का दूध बोला, एक का दूध बोला। निशा वही में का बनेगा, बस एक ही जन का बुक बनाने का। निशा कौन थी अपनी? अपनी नहीं सर, आपकी थी। सर ऐसा तो नहीं मत करो। निशा कौन थी अपनी? निशा वाज थी सेलर, यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो निशा थी ड्रॉवर। बरोबर क्या? नहीं हाँ सर। ठीक है, तो ड्रॉवर इसने क्या किया था? गुड्स सेल किया। बरोबर है टू सर, बता दो ना। बहुत सेल्स अकाउंट, सेल कितने का किया उसने? 34,000 का किया। ऑन द सेम टाइम पर उसको पैसे मिले हैं, बराबर है ना? निशा को गुड्स क्या किया उसने? सेल किया। तो गुड्स सेल करने पे किसको सेल किया? ऐश को। ऐश कभी ऐश बोलता है, कभी आशा बोलता है, दिल में चल क्या रहा है? दोनों लगते हैं मन में चल क्या रहा है? मुझे कॉलम बनाओ, कॉलम बनाओ, पहले पढ़ाओ। पेंसिल चाहिए? दू में लाके चलो बराबर। कॉलम के लिए सॉरी अमाउंट के लिए जरा अच्छे से स्पेस यूज करो। सर पर्टिकुलर आपने ऊपर क्यों लिखा है, बीच में क्यों नहीं? अब ऐसे ही अरे बाबा ले। अरे मेरे को लगा कि तो ऐसे ऊपर लिखने का रहेगा, तो इसलिए कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे क्या आता है नॉर्मली? इन बुक्स ऑफ, इन बुक्स ऑफ, बुक्स ऑफ निशा। इतना ला रहा है फिर तो? अरे नहीं सर, टोन देख तेरा ऐसा बदला है। फटाफट बना लिया कॉलम? यस सर बना लिया। ठीक है ट्रांजेक्शन करूँगा फटाफट। ठीक है हमने कुछ सेल किया किसको? आशा को। तो आशा ने कुछ रिसीव किया, कितने का है ये? 34,000। ये क्या हो जाएगा मेरा नरेशन? बीन गुड्स सोल्ड। अब गुड्स सेल करने के बाद जो उधारी में इसको टेंशन तो लगा हुआ था, ये गया
जाने के बाद उसने क्या बोला, अरे बाबा टेंशन मत ले, 10,000 रुपये निकाल के दे रहा हूँ, सॉरी दे रही हूँ, अब बाकी का तू क्या कर ले, बिल बन ले। तो ये बिल लेके गया, बिल का ये जब लेके जाता तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट लेके गया, एक्सेप्ट करवा के रिटर्न लेकर साथ में बापू भी लेके आया 10,000, बराबर है। बुक के अंदर क्या था कि आप लोगों को बैंक भी लिख के दिया होगा, एक बार देख लो, या कैश लिख लिख के दे रहे हैं, बैंक कैश लिख के दे रहे हैं, ठीक है, तो चलो कैश ही लिख, ठीक है, आप बैंक भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैश बैंक अकाउंट देखिए कैश कितना आया आपके पास, 10,000 रुपये आया, हाँ मैंने कैश बैंक लिख लिया, हाँ बोलो क्या हो गया, कैश आ गया 10,000 रुपया, और साथ के साथ बिल भी आ जाएगा, अलग अलग लिखने की जगह मैंने एक में लिख दिया, अब दो एंट्री में ये दोनों अलग करके मैं दिखाता हूँ, चलो ठीक है अलग ही कर, 10,000 रुपया कैश दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू आशा अकाउंट 10,000, ये एक तरीका हो गया, ठीक है, और उसके बाद बिल भी आया, आप जो बोल रहे थे बिल 24,000 का लिया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 24 का टू एश अकाउंट 24, इन दोनों को अगर मैं मर्ज करूँ, देखो क्रेडिट में दो बार एश लिखने की जगह मैं एक काम कर सकता हूँ, एक ही बार एश लिखूँ और एश अकाउंट दैट इज 34, और कैश डेबिट में और बिल डेबिट में दोनों को मैं लिख देता हूँ 34, तो मैं ये वाली एंट्री करता हूँ, समझ में आया, तो सर अलग अलग भी लिख सकते हैं ना, अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन कैसा फिर दो लाइन और एक्स्ट्रा जाएगा, मगजमारी, इसलिए मैंने क्या किया कंसोलिडेट करके एक में लिख रहा था, ठीक है, तो ऐसे भी आप एंट्री पास कर सकते हो और ऐसे भी एंट्री पास कर सकते हो, कोई रॉन्ग नहीं देगा, ठीक है, बट जैसे जैसे आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो क्या होना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना, तो एंट्रीज थोड़ी कम से कम होनी चाहिए, तो दो एंट्री करने की जगह मैं क्या कर देता हूँ, एक ही में मर्जब कर देता हूँ, समझ में आया मैंने क्या किया, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, ठीक है, तो मेरे को क्या मिला, पैसा मिला 10,000 रुपये, साथ के साथ उसने बिल भी दे दिया मुझे, और मेरे पास से कुछ गया क्या, नहीं, जो जाना था वो ऑलरेडी जा चुका सेल्स, तो यहाँ पे आशा अकाउंट दैट गोस टू 30, नरेशन क्या हो जाएगा, बीन कैश रिसीव एंड इंटरेस्ट चार्ज करेगा, समझ में आया, 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा,
कैलकुलेट करके मुझे बताओ वैल्यू कितना आ रहा है, कितने का बिल है, कितना वैल्यू आ रहा है, कैलकुलेट करो। वर्किंग नोट दिया रहेगा तुमको, कितना बोला है देखो, 24 का बिल बनाया था बराबर है, 24 का बिल बनाया था, 24 इधर देखो, 24 इंटू कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, कितना 15% बोलेगा तो नीचे मिल जाएगा, इंटू बिल बनाया 2 महीने के लिए, निशा ने रखा अपने पास 1 महीने के लिए, बैंक को कितने महीने रुकना पड़ रहा है, मतलब 1 महीना, तो साल में होता है 12 महीने रुकना पड़ रहा है 1 महीना। आप कैलकुलेट करके आप लोग निकाल सकते हो, कैलकुलेशन मेरा अच्छा नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। 12 1 12 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 2 एक जीरो और बचेगा ना, कितना आया आंसर, 300। नहीं समझा आंसर, ठीक है, ये वर्किंग नोट पे कैलकुलेट करके रखोगे, यानी कि डिस्काउंट मैंने वर्ड जो यूज किया था, जब कभी भी आप क्या करोगे बिल डिस्काउंट करोगे, तो डिस्काउंट करने का मतलब क्या है, मेरे को इमरजेंसी में पैसा चाहिए इसलिए मैं ऑन द स्पॉट बैंक में गया और बैंक से पैसे लेके आ गया, तो बैंक ने क्या बोला, मैं 1 महीने का लेट पैसा मेरे को मिलेगा तो मैं तो चार्ज करूँगा कितना, 300 रुपये, यानी कि मुझे जब पैसा मिलेगा मैं बैंक बिल लेके गया बैंक के पास, बैंक को बिल दिया और मैंने क्या लिया रहेगा, पैसा ऑन द स्पॉट लिया रहेगा, दैट इज कैश ले लिया रहेगा मैंने, कैश कितना मिला रहेगा, 24,000 मिला रहेगा, 24 में 300 रुपये कम मिला रहेगा, 300 कम, दैट इज 23,700 बराबर, 300 रुपया मुझे कम मिला, मेरा फायदा या नुकसान, नुकसान नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट, तो नुकसान, तो डिस्काउंट मेरा अकाउंट डेबिट कर दिया 300 रुपया, और मुझसे क्या गया, बिल गया बैंक को, तू ये वाला बिल देखो जो डेबिट में पड़ा है, नहीं समझा, ये वाला बिल चला गया, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितने का, 24 बिल डिस्काउंटेड विद बैंक एट द रेट ऑफ 15%, कोई दिक्कत इसके अंदर, एकदम क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद में क्या हुआ मुझे बता रहा, इसके बाद में क्वेश्चन में क्या बोला है, बिल डिस्काउंट कराया, फिर उसके बाद में क्या बोला, एंड द बिल गॉट डिस्काउंट, यानी 2 महीने बाद में, यानी 1 महीना बाद फिर बैंक में निकाला रहेगा अपने पास से, गया रहेगा, आशा प्लीज बिल लो और मुझे पैसे दो, आशा बोली इल्ले पैसा नहीं है तो लो, समझ में, आप क्या करो, अब मेरे पास पैसा नहीं है, आप जाके बता दो, बराबर है, तो यहाँ पे बिल क्या हो गया, डिसऑनर, कैसे मालूम पड़ा, जब कभी भी ड्यू डेट पे बिल का पैसा नहीं मिला, क्या हुआ, बिल का पैसा नहीं मिला, तो बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर, और डिसऑनर में हम लोग क्या करते हैं, डिसऑनर जब भी होगा उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, बिल से रिलेटेड सारी एंट्री कट, जब बिल से रिलेटेड सारी एंट्री कट करने का, तो क्या करो, कट करो, बराबर है, ये कट करने के बाद उसने क्या बोल दिया, नया बिल भी बना दो, तो रिन्यूअल बोल दिया, तो रिन्यूअल का सबसे पहला स्टेप क्या है, कैंसिलेशन, और मैंने पहले बोला कैंसिलेशन और डिसऑनर, दोनों का एंट्री क्या आता है, सेम, यहाँ पे डिसऑनर में अच्छा जय ये एंट्री को टच करूँ क्या, पक्का ऐश जय ये एंट्री टच होएगा, आयुष एवी पक्का सब्जन, तो इसको टच करूँ, नहीं तो ये सेफ है, इसको साइड में रहेगा, इसको टच करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, तो इसको अपन उड़ाएंगे, इसको टच करना पड़ेगा नहीं, मैंने बोला एक एंट्री रहा तो क्या करने का, टांग पकड़ के उड़ना, लेकिन जब भी दो एंट्री है तो क्या करोगे, एंट्री टू एंट्री कर, किसके घर में घुसने का, पड़ोस के घर में, ये एक घर है ये दूसरा घर है, तो ये लोग इधर घुसेंगे इधर, ये लोग इधर घुसेंगे इधर, लेकिन डेबिट वाला किधर जाएगा, क्रेडिट के पास, क्रेडिट वाला जाएगा डेबिट के पास, कैश को टच करने का जरूरत है क्या, नहीं, बिल को टच करूंगा, बिल किधर पड़ा है, क्रेडिट, तो पड़ोस के घर में किधर ढूंढूंगा, क्रेडिट, तो ये डेबिट में पड़ा है, तो ये हो जाएगा कट ऑटोमेटिकली।
कट हो गया, कोई दिक्कत ऑटोमेटिकली अभी कंफ्यूज हो गए पक्का, तो ये ऑटोमेटिकली कट हो गया। अब दूसरे जाएंगे, ऐश लिखा है क्रेडिट में, पड़ोस में जाके ढूंढूंगा डेबिट में, पड़ोस में डेबिट में कहीं लिखा है नहीं, तो मैं क्या करूंगा खुद जाके लिख दो, ये लिखा है क्रेडिट में निकाला और लिखा डेबिट में, क्या हो जाएगा ऐश अकाउंट डेबिट। वैल्यू कितना है 34 लिखूं या 24 लिखूं? 24 क्योंकि बिल का वैल्यू था बराबर 24, ये भी हो गया मेरा बराबर। अब क्रेडिट यहाँ पे कैश और डिस्काउंट लिखा है, दो चीजें बराबर, और मैंने क्या बोला कैश और डिस्काउंट मिला के दोनों क्या है, क्या किया हमने बैंक के पास डिस्काउंट करा, तो इन दोनों को सबमिट अप करके हम क्या लिख सकते हैं बैंक लिख सकते हैं, तो इन दोनों को कंबाइन किया और ये कहीं पे जा कहाँ पे देखा जाएगा पड़ोस में, ये दोनों डेबिट में लिखा है, तो मैं ढूंढूंगा किधर ऊपर क्रेडिट में, ये तो ऑलरेडी खत्म कर चुके तो खुद जाके लिखना पड़ेगा, तो ये दोनों को कंबाइन किया और लिख के आऊंगा क्रेडिट में। नहीं समझा? बैंक अकाउंट या डिस्काउंट के हिसाब से दैट इज 24 पहला। और यही चीज़ अगर मेरे को शॉर्टकट एंट्री से करना होता तो मैं कैसे करता, शॉर्टकट एंट्री याद है सबको, मैंने शॉर्टकट एंट्री सिखाया था अभी, ओपनिंग ओपनिंग एंट्री क्या है उसका, शुरू कहाँ से होगा आशा से, उसके बाद किधर गया निशा, के बाद किधर गया बैंक डिस्काउंट के लिए गया, उसके बाद कहीं गया नहीं, तो क्या कर दोगे बिल और नोटिंग चार्जेस। एंट्री किसके बुक में कर रहे हो, तो निशा के बुक में निशा का नाम आएगा क्या, नहीं, तो निशा को छुपा दो, ऊपर कौन दिख रहा है आशा, नीचे आशा, ये समझा क्या हो गया, ये क्लियर है। तो फर्स्ट एंट्री यानी रिन्यूअल का हम लोगों का स्टेप में फर्स्ट स्टेप क्या था, रिन्यूअल में कैंसलेशन जो हमने कर दिया, उसके बाद क्या था एक्सेप्ट पार्ट पेमेंट, थर्ड क्या है इंटरेस्ट, और फोर्थ क्या है न्यू। कैंसलेशन का काम हो गया, दिस इज माय फर्स्ट एंट्री बराबर है, नरेशन नहीं लिख रहा हूँ आपको पता है नरेशन। एक्सेप्ट पार्ट पेमेंट उसने कितना दिया है, पार्ट पेमेंट दिया ना कैंसलेशन के बाद में 4000 पैसा आया, कुछ गया क्या नहीं, कैश आया किस से, सेकेंड भी कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत दुविधा अड़चनी चले, थर्ड क्या है चार्ज इंटरेस्ट, चार्ज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का वैल्यू कुछ दिया या परसेंटेज दिया है, इंटरेस्ट का परसेंटेज दिया है, तो अगर वैल्यू दिया होता तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता, अब वैल्यू नहीं दिया परसेंटेज, तो परसेंटेज को कन्वर्ट करोगे वैल्यू बराबर है। कितने का बिल बनाएगा अभी मुझे ये बताओ, बिल कितने का बनेगा, कौन कौन बोल रहा है, मैं सर्टन ऑप्शंस दे रहा हूँ, एक बोला 34, एक बोल रहा हूँ 10,000, एक बोल रहा हूँ 4,000, एक बोल रहा हूँ 20,000, बोलो किसका बिल बनेगा, मुझे तो जाने, ओके 20, अभी आप कितने का बिल बनेगा, देखो सादा सिंपल चीज है, थोड़ा दिमाग लगा, 34 का तो पॉसिबल ले लियो, 34 में से स्टार्टिंग में 10 दे दिया तो ये ऑप्शन तो है, 10,000 का हमको मिला है, जो पैसा मिल गया उस पे कौन दो हम ब्याज लगाएगा भाई, ये भी 4,000 भी मिल गया तो बचा क्या, 20,000 बचा है, तो मैं सामने जैसे वसूलूंगा कितना 20,000, यानी 20,000 उसने नहीं दिया है, तो 20,000 का वसूली करना है, तो मैं नुकसान भी 20 का ही झेल रहा हूँ ना भाई, तो इंटरेस्ट भी 20 पे लगाएंगे। कैलकुलेशन आपके पास है शायद से, अभी कितने महीने के लिए बनाया है वो तो बताओ मुझे, 3 महीने के लिए, तो 20,000 ये हो गया इनटू 3 महीना, तो 3 महीना है, साल में कितना महीना होता है 12, और कितना परसेंट बोला है
गलत काम दे दिया 11%। एक तो पहले से कैलकुलेशन आता नहीं था। थ्री वन सा थ्री, थ्री फोर सा फोर, वन सा फोर, फाइव सा और इलेवन फाइव सा फिफ्टी फाइव। और ये टकला बैठा इधर, इसको भी इधर ले लेंगे। ए भी समझा आपको कितना आया? वैल्यू बराबर है आप लोग के बुक में भी, यानी 550 रुपये मैं इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। अच्छा ये बताओ, इंटरेस्ट कौन चार्ज करेगा, निशा या आशा, कौन चार्ज करेगा? नहीं, अगर निशा चार्ज कर रही है तो क्यों सर? आशा, अगर आशा चार्ज कर रही है तो क्यों? अरे सर, इंटरेस्ट कौन चार्ज करेगा? निशा चार्ज करेगी ना सर। हाँ, अरे तुम मैं की तो मैं तो यहाँ तक ठीक है। तो अब तुमको ये समझना जरूरी है कि जिसका नुकसान हुआ है बेचारा, वही इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना? तेरी वजह से मेरा नुकसान हुआ तो मैं तेरे से पैसा लेता, समझा? तो यहाँ नुकसान किसका हुआ? निशा का। बेचारे को मिलना चाहिए था 24,000, मिला क्या? 4,000 मिला। 20,000 का नुकसान देगा तो वसूलेगा भी कौन? 20,000 में तो ब्याज भी कौन लेगा? मैं। नहीं समझा? तो चार्ज इंटरेस्ट, चार्ज इंटरेस्ट बोला तो आशा के ऊपर चार्ज करके चालू है पक्का? मेरे को ध्यान नहीं, मैंने दबाया, चालू है ठीक है। तो चार्ज कौन करेगा? निशा चार्ज करेगा आशा के ऊपर, राइट? तो अब चार्ज किया मैंने, तो मुझे बताओ मैं जब चार्ज करूँगा तो मुझे फायदा होगा या नुकसान? फायदा होगा। नॉमिनल अकाउंट, फिर से नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट से शुरू करो फिर क्रेडिट पे जाएंगे। डेबिट और इनकम, अरे यार मैं बोल रहा था, रुकना अभी। डेबिट और इनकम में जो प्रॉफिट, नहीं नहीं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम में जो प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हुआ है मुझे तो क्रेडिट, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट। पहले मैं 20,000 वसूलने वाला था, अब 20,000 में 550 रुपया और वसूलूंगा, बराबर? तो मेरे को पहला पहले 20,000 मिलना था, 20,500 मिला, तो मुझे फायदा होगा। नहीं समझा? यहाँ तक ये है। तो मेरे को वसूल करना, तो इंटरेस्ट की वजह से मिला है, पैसा मिला क्या? बराबर है। तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो गया? इंटरेस्ट मेरे लिए फायदा हो गया, यानी इंटरेस्ट क्रेडिट में लिखना चाहिए। और किसको चार्ज कर रहा हूँ? आशा को। तो आशा, यस, तो आशा के लिए नुकसान है ना, तो डेबिट, जिसको नुकसान हो रहा है। तो इसका आगे चल के एक शॉर्टकट सिखाऊंगा कि आंख बंद करने का और एंट्री लिख के आने का, उतना परफेक्ट, ठीक है? आशा अकाउंट डेबिट पहला चीज। और ये आशा को डेबिट क्योंकि आशा को नुकसान हो रहा है, हमको फायदा हो रहा है इंटरेस्ट की वजह से। तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट कितना है? 550। ये क्लियर? ये मेरा फर्स्ट, ये सेकंड, ये मेरा थर्ड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है? न्यू बिल। न्यू बिल का एंट्री बोलो या पुराना बिल, बिल तो सेम ही होता है। बिल और बिल कोई फर्क है क्या? नहीं। तो सेम एंट्री, बिल रिसीव होगा। पिछले बार कितना? 20 मिलना था, अब मिलेगा कितना? 20,550। तो बिल कितने का मिलेगा? 20,550। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20, बराबर कहना है भाई 550। कोई दिक्कत? कंफ्यूज हो गया? सेल किया सबसे पहले, एंट्री में अगर बोला है तो, नहीं बोला तो रन बराबर। दूसरा उसके बाद क्या बिल आता है वो भी तुमको याद होता रहेगा। तीसरा क्या है? बिल डिसऑनर होता है तो एंट्री नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं? टांग पकड़ के उल्टा है। लेकिन एग्जाम में होता सिंपल, देंगे नहीं डिसऑनर के लिए, आपको रिन्यूअल आएगा कि आएगा। और रिन्यूअल के लिए मैंने तुमको शॉर्टकट सिखाया है। अब शॉर्टकट का भी शॉर्टकट तुमको क्या बता दिया? दैट इज ज़िगज़ैग ज़िग। अब ज़िगज़ैग ज़िग तुमको याद हो गया रहेगा। बैलेंस यानी कि यहाँ पे 3 महीने के लिए निशा ने एग्री किया, वो हम लोगों ने दिखा दिया, नया बिल बना दिया, बराबर है? यानी ये बिल तो कैंसिल हो गया हमारा, इसके बाद ये नया बिल बना दिया, तो इसके आगे मैं न्यू लिख सकता हूँ, न्यू बिल, बराबर? अब न्यू बिल का भी क्या तमाशा हो गया देखेंगे। अगर ये हो गया आशा एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ, ठीक है, हम लोग कैलकुलेशन के हिसाब से ले लिया, बट आशा बिकेम इनसॉल्वेंट।
क्या हो गई आशा? इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का मतलब किसी को पता है क्या? इनसॉल्वेंट का मतलब नहीं मालूम। सीमेंस इनसॉल्वेंस यानी कि मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ उल्लू है, यानी मेरे पास अब पैसा नहीं है। अब मेरे पास जब पैसा नहीं है तो मैं पैसा दूंगा कहाँ से? मेरे पास कुछ भी नहीं है। दैट इज नोन एज इंसॉल्वेंसी। यानी कि आशा ने क्या बोला, ये नया बिल बना दे भाई 20,000 का, बाद में 3 महीने बाद देती हूँ। निशा गई, निशा को बोली मैं लॉकडाउन की वजह से कंगाल हूँ कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसा पानी कुछ नहीं है। इसी चीज को लेकर हमें एस्टेट, एस्टेट का मतलब क्या है, उसकी प्रॉपर्टी में से पूरा निचोड़ने के बाद वो बेचारी को सिर्फ 40% रिकवर कर पा रहे हैं। समझ में आया? तो दैट इज समथिंग जहाँ वो इंसॉल्वेंट का मतलब है लास्ट स्टेज पे आ गया, अब पैसा पानी कुछ नहीं है उसके पास। और जब उसके पास पैसा पानी नहीं है तो ये नॉर्मल प्रोसेस होता है, किसी का भी बैंकरप्सी हो गया तो कोर्ट में लेटर्स जाते हैं, बराबर। अब कुछ नहीं बचा अकाउंट्स में, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब मेरे को निशा का बैड डेट्स हो गया, निशा को पैसा 12,000 नहीं मिला, यानी 12,000 का बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स मतलब फ्यूचर में अब ये पैसा नहीं मिलेगा, आगे चल के देखेंगे कभी जिंदगी में मिलेगा तो देखा जाएगा, अभी फिलहाल सम के हिसाब से तो नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो मेरे को फायदा हुआ, मैं नहीं मिल रहा पैसा ना छू क्या करूँगा? शोक मनाएंगे, नुकसान, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। ये किसके ऊपर ताड़न चुड़ी चढ़न चुड़ी करने वाली है? आशा के ऊपर ना, तेरी वजह से पैसा नहीं मिला, तू डूब गई, तेरी वजह से मेरा 12,000 का नुकसान हुआ। तो पैसा आया रहेगा तो आशा से, नुकसान भी हुआ तो आशा से। आशा ही पात्र है। ये हो गया लास्ट एंट्री। नहीं समझा? क्लियर है पक्का? ये स्टोरी समझ में आया? जितना वसूल हुआ उसको लो, जो नहीं वसूल हुआ, जो फ्यूचर में वसूल होएगा भी नहीं, उसको क्या बोला जाता है? बैड डेट्स। क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब पैसा जो कभी फ्यूचर में रिसीव नहीं होगा फिलहाल के हिसाब से, आगे चल के जब रिसीव होगा तब देखा जाएगा। वैसा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं, ठीक है? तो जो नहीं रिसीव हो रहा हो बैड डेट्स, ये सब ताम जाम किसकी वजह से हुआ? आशा। पैसा आया आशा से, पैसा डूबा आशा से। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया आपका इंसॉल्वेंसी। और यहाँ नरेशन में फिर आप लिख सकते हो 40% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड।